हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। नाउ दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ साइंस। ऑलरेडी मैंने आपको 5 पार्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एमएनएस एग्जाम। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच पार्ट ऑफ थॉट इन मैन इज़ कॉल्ड एडम्स एप्पल। सो इनमें से कौन सा पार्ट है थ्रॉट का, दैट इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, थायराइड कार्टिलेज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे जो एडम्स एप्पल है वो लिर्निक्स का एक्सटेंशन ही है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस मतलब कौन सा पार्ट है थ्रॉट का, देन यू हैव टू आंसर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन्स। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है वो विटामिन्स के लिए वैलिड नहीं है। सो फर्स्ट इज दे आर नेम्ड बाय फंक। सो करेक्ट, ये करेक्ट है, विटामिन्स नेम्ड बाय फंक। नेक्स्ट इज दे आर वाइटल फॉर लाइफ, येस। थर्ड इज देयर डेफिशिएंसी कॉजेज डिसीजेज, ऑफकोर्स देयर डेफिशिएंसी कॉजेज डिसीजेज आपने भी पढ़े होगा, बेरी बेरी, जेरोपिथेलमिया, ओके ये सब। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर विटामिन्स, दैट इज़ ऑप्शन डी, दे हेल्प इन डाइजेशन। तो विटामिन्स कभी भी डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 36 जूल दैन इट्स स्पीड इज। सो ऑल यू नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So kinetic energy is equals to half mv square. Okay, so half mv square इस फॉर्मूले में पुट करोगे, kinetic energy हमें दे रखा है 36, okay, then half mass दे रखा है 2 kg is equals to mass, so 2 and v square मतलब हमें speed निकालनी है, so ये 2 से 2 कट जाएगा, 36 is equals to v square आ जाएगा, okay, then v is equals to √36. Correct answer is 6 meter per second. So option A is the correct answer for this question. Okay, so you have to put the formula of kinetic energy half mv square. Next is question number 4, which of the following is used as a shield against the radioactive emissions. So इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव शील्ड के लिए, उसके एमिशन से बचाने के लिए एज अ शील्ड यूज़ करते हैं। So the correct answer for this question is lead, that is Pb. So option C is the correct answer. Lead is used as a shield against the radioactive emission, and ये carbon group का ये lead, all you know, and this is also used because of its high density. Okay, Pb 82. Next is question number 5, which of the following the locomotory organ of the leech? Leech जो कि Annelida phylum से है, आपसे पूछा है इनमें जो लीच का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेई। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और दूसरा जो है वो भी हम लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में होगा तो, पैरापोडिया। पैरापोडिया एंड स्टेई आर बोथ लोकोमोटरी ऑर्गन इन लीच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉजेज बाय Wuchereria bancrofti। सो इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो कि Wuchereria bancrofti से डिसीज़ फैलाती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एलिफेंटियासिस। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस। डाइजेंट्री इज बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इट हैज़। सो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उस बॉडी में होगी अगर वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है, तो ये आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज़ ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ में जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस। ओके, नाउ दिस कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है ना ऐसे करके। सो डायरेक्शन इज़ ऑलवेज चेंजिंग, सो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। देन नो एक्सेलरेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा इसमें। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 49 जूल, इफ द स्पीड गॉट हाल्फ देन व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी। आई होप आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें मैं एक हिंट दे दूं, वैसे तो ये बहुत सिंपल है। पहले आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 49, ओके, हाफ mv² आप फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो m मास दे रखा है 2, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v² मतलब √7, तो यहाँ पर 7 इज इक्वल्स टू v, वेलोसिटी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये वेलोसिटी आपको पुट करना है सेकेंड में, जब आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी होगी, सो आपको न्यू काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, मास वही रहेगा क्योंकि उसी मास पर लग रहा है, और वेलोसिटी आपको ये 7 पुट करनी है, 7 हाफ mv², ओके। सो अच्छा, अगर इसमें वेलोसिटी हाफ हो जाए तो 7 का हाफ मतलब v/2 आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। सो वेलोसिटी हमारी आ गई, मान लो वेलोसिटी यहाँ पर हमारी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड, जो फर्स्ट फॉर्मूले से आ गई थी। अब हमें जब काइनेटिक एनर्जी, हम न्यू काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ m दे रखा है 2 एंड v², v हमें कितना लेना है, उसने बोला है कि वेलोसिटी हाफ हो जाए तो 3.5, है ना, 7 का हाफ 3.5, और उसका स्क्वायर करना है आपको क्योंकि हाफ mv² है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, यहाँ पर ये सॉल्व कर लो, 3.5 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 12.25 जूल। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एक बार खुद से पढ़ना और खुद से इसको सॉल्व कर लें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। ऑप्शंस आर ओशियन, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेजर्ट, एंड ओशियन इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इथेनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जो फूड एनहेंसमेंट वाला जो आपका चैप्टर है क्लास 12 बायोलॉजी का, उसमें जो आपको दे रखा है डिस्टिलेशन के थ्रू वाइन और बियर, ये सब पढ़ लेना, ठीक है, कौन सा डिस्टिलेटेड वाइन है, कौन से नॉन डिस्टिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस उसमें जो उससे पहले जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, उसमें जो ड्रग्स वगैरह दे रखे हैं, इवन डिसीज़ भी इंपॉर्टेंट है, एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्कवर्ड एनोड रेज। सो किसने एनोड रेज की डिस्कवरी की थी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ई गोल्डस्टीन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ई गोल्डस्टीन ने ही क्या डिस्कवर किया था, प्रोटोन। सो प्रोटोन की भी डिस्कवरी किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इफ द स्पीड ऑफ ए मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल इंक्रीजेज, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल। अब देखो, जो मूविंग मैग्नेट है इनसाइड अ कॉइल, उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका मूवमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अराउंड दैट कॉइल, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे मूविंग मैग्नेट को, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं कॉइल के अंदर मैग्नेट की, तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगा, कॉइल के अंदर वो इंक्रीज़ होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, NFOP। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है उनकी गेनिंग पावर पर, जो इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आसानी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है अपनी साइड, बिकॉज इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड देन फॉस्फोरस। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। MNS 2019 की जो वीडियो प्रोवाइड की है, ठीक है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2019 के और 2020 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको MNS 2020 की जो प्लेलिस्ट है उसमें 2020 से जितने भी वीडियोस रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है इंग्लिश, जीके और साइंस का। ठीक है, सो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 के आप क्वेश्चन देखोगे और 2020 के क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन द क्वेश्चन लेवल, क्योंकि क्वेश्चंस अब जो है वो थोड़े लेवल उनका इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि साइंस जो बच्चे बोलते हैं कि ल्यूसेंट और अरिहंत से साइंस पढ़ लेंगे तो वो नहीं चलेगा। उससे आपको बेसिक ठीक समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, बट जो अल्टीमेट जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका बेनिफिट है वो NCERT पढ़ने से होगा। और NCERT भी आपको नोट्स जैसे फॉर्म में पढ़ना है, ऐसा पूरा पढ़ोगे NCERT तो वो भी समझ में नहीं आएगा फिर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज़ द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, जो कि न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म से किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अलाउज अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ चॉक। नाउ दो डिफरेंट मटेरियल के सब्सटेंस को एडहेंस करने के लिए, जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं जो फोर्स या जिस हम फोर्स का नाम है दैट इज़ एडहेसिव फोर्स। एडेसिव मतलब ऐड करना दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को। अब अगर सेम सब्सटेंस है, लाइक वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स है अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज़ ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सो कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस बोथ डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। जब एडेसिव फोर्स लगता है जब दो डिफरेंट मटेरियल्स ऐड होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका MNS 2019 में पूछा गया है। यस, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके 2019 में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि फिजिक्स के क्वेश्चन ये जो 2019 के ये कितने सिंपल थे, और 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप देख लेना। उसमें आपको थर्ड जो 3 लॉज ऑफ मोशन है जिनकी जो फॉर्मूला है SS = UT + ½ AT square, V = U + AT है ना, और एक और है V² = U² - 2S। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, जनरली इससे जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। MNS 2020 में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। सो दैट्स वाई कि अब जो साइंस है वो थोड़ी अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। नीट जैसा लेवल नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। जैसे ये जो मैंने प्रोवाइड किए हैं मैं इसलिए प्रोवाइड करती हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्चुअली MNS के लिए प्रिपेयर करने हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इंग्लिश पर भी प्रोवाइड करूँगी दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू वांट ऑल द इडियम एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ओके, इफ़ यू वांट दैट टॉपिक देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं एक साथ फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट के भी हैं, तो वो मैं सारे एक जगह प्रोवाइड कर दूँगी एक लेंथी वीडियो बना के, या फिर उसके 2 पार्ट्स बना के। इडियम एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 2-2 पार्ट्स में हो जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मे का जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है मैंने प्रोवाइड कर दिया, उसका जो PDF है या संडे को प्रोवाइड कर दूँगी या फिर अभी थर्सडे जो कमिंग थर्सडे होगा उस पर। ठीक है, ऑन टेलीग्राम। Okay, thank you so much.